दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा हेतु आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कोई संदेह बाकी नहीं रहेगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत परीक्षा की समस्त जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में दे दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। आइए सबसे पहले हम प्रेस विज्ञप्ति देख लेते हैं। चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ और देखते हैं। कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जारी विज्ञप्ति, इसमें संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा छात्र छात्राओं का कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में प्रवेश लेने परीक्षा शुल्क प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो जारी की गई है वो की गई है 5 अगस्त 2022। उसके बाद प्रधानाचार्य जो प्राप्त फीस है उसको बैंक में या कोषागार में जो जमा करेंगे उसकी अंतिम तिथि दी गई है 10 अगस्त 2022। और समस्त छात्रों के शैक्षिक विवरणों को परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने की जो तिथि दी अंतिम तिथि की दी गई है वो दी गई है 16 अगस्त 2022 मध्यरात्रि 12 बजे तक। 10 अगस्त 2022 के पश्चात प्रति छात्र 100 रूपये विलंब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क जमा कर विद्यालय में जो अपना प्रवेश ले सकता है उसकी अंतिम तिथि दी गई है 16 अगस्त। विलंब शुल्क को प्रधानाचार्य बैंक में कोषागार में जमा करने की अंतिम तिथि है 20 अगस्त 2022। और ऑनलाइन अपलोड करने की भी जो अंतिम तिथि दी गई है वो दी गई है 20 अगस्त 2022। यहां से स्पष्ट हो गया है कि इंटर और हाई स्कूल के जो प्राइवेट फॉर्म भरे जाने हैं उनकी लास्ट डेट 5 अगस्त है, और विलंब शुल्क के साथ जो कि 100 रूपये विलंब शुल्क होगा प्रत्येक बच्चे के लिए उसकी अंतिम तिथि दी गई है 16 अगस्त 2022 तक। ठीक है, ये चीज हमने देख ली, और अब हम आगे देखेंगे कि हम हाई स्कूल और इंटर का फॉर्म कैसे भरते हैं। सिर्फ राजकीय कॉलेजों को ही हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा का परीक्षा केंद्र बनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि हाई स्कूल का जो फॉर्म हम भरते हैं वो किस प्रकार का होता है, या इंटर का फॉर्म जो हम भरते हैं वो किस प्रकार का होता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज यानी ऑनलाइन डाटा अपलोड करने हेतु हाई स्कूल व्यक्तिगत परीक्षा 2022 का आवेदन पत्र, देख लीजिए अभी ये वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, वरना परीक्षा वर्ष 2022 की जगह 2023 आ जाएगा। ठीक है, एक या दो दिन में ये फॉर्म परिषद की तरफ से वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा होगा। ऊपर की दोनों में से आप नहीं भरेंगे बल्कि उसे कॉलेज भरेगा, नंबर 1 पॉइंट भी, नंबर 2 पॉइंट भी कॉलेज भरेगा, नंबर 3 पॉइंट आपको भरना पड़ेगा जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना है, नंबर 4 पॉइंट पर है परीक्षार्थी का नाम अंग्रेजी में, नाम के साथ श्री कुमारी अथवा श्रीमती ना लगाएं। पॉइंट नंबर 5 है माता का नाम अंग्रेजी में, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 पिता का नाम अंग्रेजी में। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4.1 हिंदी में नाम लिखना परीक्षार्थी का, 5.1 में हिंदी में माता का नाम लिखना है, 6.1 में पिता का नाम लिखना है हिंदी में। पॉइंट नंबर 7 पर सेक्स कोड लिखना है अपना, मेल है कि फीमेल है टिक करना है। पॉइंट नंबर 8 पर अपनी कास्ट कौन सी है, कौन सी कैटेगरी में आते हैं उस पर टिक करना है। पॉइंट नंबर 9 में आप किस माध्यम में
परीक्षा में बैठना चाहते हैं हिंदी में या इंग्लिश में यहाँ टिक करना है। नंबर 10 पॉइंट है संपूर्ण परीक्षा। आप संपूर्ण परीक्षा दे रहे हैं कक्षा 10 की 6 के 6 विषय में, या आप ने कक्षा 10 पास कर लिया है और उसके अतिरिक्त आप विषय में परीक्षा देना चाहते हैं। जैसे हमने 6 के 6 विषय में परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन अब मैं अतिरिक्त विषय में परीक्षा देना चाहता हूं। जैसे कोई बच्चा उर्दू में परीक्षा देना चाहता है, जबकि उसने हाई स्कूल में उसके उर्दू विषय नहीं था, तो एक विषय से भर सकता है। पॉइंट नंबर 11 में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। पॉइंट नंबर 12 में वो विषय कोड डालेंगे जो जिसमें आपने जिसका एग्जाम देना है। जैसे उर्दू का विषय कोड है 904, यहाँ पर 904 डाल देंगे इसके नीचे और विषय का नाम लिख देंगे उर्दू। दो विषय में है तो दूसरा विषय कोड डाल देंगे, जैसे लड़कियां गृह विज्ञान में, ठीक है, तो एक 930 विषय डाल देंगे, यहाँ पर विषय का नाम डाल देंगे। अगले पेज पर पहुंचते हैं, पर आपको कुछ नहीं डालना है। 20 पॉइंट पर परीक्षा का 12 अंकी आधार नंबर डालना है। 21 नंबर पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। 22 नंबर उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे कक्षा 10 में फेल हो गए हैं, वो यहाँ पर अपना फेल होने का वर्ष लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, जिस कॉलेज से फेल हुए हैं उस कॉलेज का नाम लिखेंगे, जनपद का कोड लिखेंगे और विद्यालय का कोड लिखेंगे जो मार्कशीट पर लिखा होता है। 23 नंबर जो होता है वो परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों 2020-21 आएगा यहाँ पर, जो अनुत्तीर्ण होने या क्रेडिट सिस्टम में जो बच्चे फेल हुए हैं, यानी जो फार्म क्रेडिट सिस्टम में भरा जाता है उसके यहाँ पर वर्ष लिखेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे और यहाँ पर अनुत्तीर्ण हुआ है जिस विद्यालय से विद्यालय का नाम लिखेंगे, जनपद कोड लिखेंगे और यहाँ पर विद्यालय कोड लिखेंगे। 24 नंबर पर वो बच्चे आते हैं जिन बच्चों ने कक्षा 9 पास कर लिया है लेकिन वो कक्षा 10 में अपना आवेदन नहीं कर चुके किसी कारणवश और 1-2 साल गुजर चुका है उनका, तो अब वो यहाँ पर अपनी जानकारी देंगे। 24 नंबर पर वो 22 नंबर पर 23 नंबर पर अपनी जानकारी नहीं देंगे। यहाँ पर पंजीकरण का जब आपने उस वर्ष लिखेंगे, पंजीकरण संख्या लिखेंगे, जिस कॉलेज में पंजीकरण हुआ है वहां का नाम लिखेंगे, जनपद कोड लिखेंगे, विद्यालय कोड लिखेंगे। 25 नंबर पर विधि द्वारा स्थापित अन्य शिक्षा बोर्डों से, यानी कोई बच्चा यूपी बोर्ड के अलावा सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या मदरसा बोर्ड या संस्कृत बोर्ड, किसी बोर्ड से वो कक्षा 10 में फेल हो गया है या उसने किसी अन्य बोर्ड से यूपी बोर्ड के अलावा कक्षा 9 पास कर ली है, वो यहाँ पर अपना आवेदन करने के लिए यहाँ पर अपनी जानकारी भरेंगे। जिस बोर्ड से उत्तीर्ण किया है कक्षा 9 उसका नाम लिखेंगे, उत्तीर्ण करने का वक्त वर्ष लिखेंगे, वहां का पंजीकरण संख्या लिखेंगे, अथवा ये ऊपर की तीन लाइन 9th के लिए है, 9th पास करने वालों के लिए ये तीनों, और ये तीनों लाइन कक्षा 10 फेल होने वाले बच्चों के लिए है जो अन्य बोर्डों से फेल हुए हैं, वो यहाँ पर अपना विवरण देंगे। जो बच्चा हाई स्कूल पास कर चुका है, हाई स्कूल पास करने के बाद वो अलग सब्जेक्टों से हाई स्कूल करना चाहता है, जैसे किसी बच्चे ने अपने हाई स्कूल में 6 उसके विषय थे, हिंदी थी, इंग्लिश थी और गणित था, उसके बाद सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कला, ये 6 के 6 सब्जेक्ट थे। अब इसके अलावा वो संस्कृत से और अपना फॉर्म भरना चाहता है, या अब वो उर्दू से अपना और फॉर्म भरना चाहता है, या दो विषय से उर्दू और संस्कृत से फॉर्म भरना चाहता है, तो वो पॉइंट नंबर 26 भरेगा। इसके अलावा ऊपर का कोई भी पॉइंट वो नहीं भरेगा, ना 22, ना 23, ना 24, ना 25, वो 26 पॉइंट भरेगा, ठीक है। अपना जिस बोर्ड से वो पास हुआ उस बोर्ड का नाम लिखेगा, कब पास हुआ है वर्ष लिखेगा, यहाँ पर हाई स्कूल पास करने का वर्ष, यहाँ रोल नंबर लिखेगा और उन विषय के कोड लिखेगा, जैसे संस्कृत का कोड है 903, ठीक है। अब वो उर्दू से बनना चाहता है तो उर्दू का कोड है 904। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश कारागार में हैं या जेल में हैं, अब उन्होंने कक्षा 9 पास कर लिया है, तो वो सारी के सारी डिटेल 27 नंबर पर भरेंगे। उसके बाद कोई बच्चा भारतीय सेना में नियमित रूप से सैन्यकर्मी है, वो 28 पॉइंट पर भरेगा। कोई बच्चा कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के पश्चात आईटीआई कर ली है, वो अपनी समकक्षता विनिमय के अंतर्गत पॉइंट नंबर 29 पर भरेगा।
ठीक है, यहाँ पॉइंट नंबर 30 पर ईमेल आईडी डालेगा बच्चा अपना, और फिर उसके बाद अपना व्यक्तिगत पता भरेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा यहाँ पर, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, यहाँ पर कॉलेज जांच करेगा वो अपने हस्ताक्षर करेगा, यहाँ पर प्रधानाचार्य अपनी मोहर लगाएंगे। परीक्षार्थी यहाँ पर घोषणा पत्र देगा, ये पेज नंबर 3 चल रहा है, पेज नंबर 3 में वहां पर अभिभावक का नाम, स्थायी पता, ये सारी डिटेल्स फिल करेगा, मोबाइल नंबर वगैरह डालेगा। और यहाँ पेज नंबर 4 जो आएगा, पेज नंबर 4 पर वो विषय अपने सेलेक्ट करेगा और उन्हें उन कोडों को डालेगा। ये जानकारी हुई हमारी कक्षा 10 के फार्म भरने की, जो हम ऑफलाइन फार्म भर करके हमें राजकीय कॉलेजों में जिनको परीक्षा केंद्र बनाया गया है व्यक्तिगत परीक्षा का, वहां पर हमें जमा करना होगा। देखिए, हाई स्कूल के फार्म भरने के लिए हमें ये चीजें लगानी होंगी जिस वक्त हम फार्म कॉलेज में सबमिट करेंगे। नंबर 1, कक्षा 9 का रजिस्ट्रेशन। नंबर 2, कक्षा उत्तीर्ण करने का अंक पत्र। नंबर 3, यदि अन्य किसी परीक्षा संस्था, बोर्ड, विद्यालय से छात्र ने कक्षा 9 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उत्तीर्ण अंक पत्र एवं पंजीकरण कार्ड के साथ स्थानांतरण पत्र की प्रमाणित फोटोकॉपी। नंबर 4, हाई स्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा का अनुत्तीर्ण अंक पत्र। ये स्थानांतरण पत्र यानी टीसी की जो फोटोकॉपी लगानी है वो ये उस बच्चे को लगानी है जो बच्चा कक्षा 10 में फेल हो गया है। लेकिन अगर वो व्यक्तिगत परीक्षा फेल होने के बाद एक बार व्यक्तिगत परीक्षा दे चुका है और उसे व्यक्तिगत परीक्षा के अनुत्तीर्ण की अंक तालिका मिल चुकी है, तो फिर उसे स्थानांतरण पत्र लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। और जो बच्चा क्रेडिट सिस्टम, जो बच्चा विनिमय के अंतर्गत फार्म भर रहा है, उसे टीसी लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो कक्षा 9 का रजिस्ट्रेशन, कक्षा 9 के उत्तीर्ण करने का अंक पत्र या कक्षा 10 की अंक तालिका की फोटोकॉपी लगानी है। ठीक है, ये हो गया कक्षा 10 के फार्म भरने का तरीका। अब कक्षा 12 के फार्म भरने का तरीका हम देख लेते हैं। सेम वही कंडीशन है, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, विद्यालय अपना आप भरेगा। ठीक है, पहले तीनों में इंग्लिश में नाम लिखना है, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ पॉइंट में। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, सेक्स कोड, नाइन्थ कैटेगरी कौन सी है, टेंथ, माध्यम क्या रहेगा परीक्षा देने का आपका, हिंदी में परीक्षा देंगे या इंग्लिश में। पॉइंट नंबर 11, किस विषय में परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, आप साइंस विज्ञान वर्ग में दे रहे हैं या कला वर्ग में या वाणिज्य वर्ग में, आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, वहां उस वर्ग का नाम लिखेंगे। ठीक है, आप संपूर्ण विषय में परीक्षा दे रहे हैं या विषय विनिमय के अंतर्गत एक या दो विषय में परीक्षा दे रहे हैं, तो वो पॉइंट नंबर 12 होगा। आप यहां पर विषय का नाम और पॉइंट नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, इनमें आप विषय का कोड लिखेंगे जो फॉर्म में नीचे दिए गए हैं और विषय का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ ये कृषि वाले परीक्षार्थियों के लिए हैं, उत्तीर्ण का वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्तांक और योग्यता वाले विषय के कोड अंकित करेंगे यहाँ पर। पेज नंबर 2 पर आते हैं, पेज नंबर 2 पे परीक्षा का संस्था का नाम लिखेंगे, किस बोर्ड से वो परीक्षा पास किए हैं, उस किस वर्ष में पास किए यहाँ लिखेंगे, और उस परीक्षा जो ने पास किया उसका अनुक्रमांक लिखेंगे। पॉइंट नंबर 22 पर आधार नंबर लिखेंगे और 23 पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर हमारी कैटेगरी दी गई है कि हम किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और हमें किस तरीके की परीक्षा में बैठना है। संपूर्ण परीक्षा में अगर बैठना है कि हम फेल हो चुके हैं इंटर की परीक्षा में, तो पॉइंट नंबर 24 क्लियर करें भरेंगे। और अगर आप एक वर्षीय पत्राचार में, देखिए इंटर में पत्राचार चलता है, पत्राचार कैसे, एक बच्चा तो वो है जो इंटर में फेल हो चुका है, तो वो सीधा राजकीय कॉलेज में जाएगा और पॉइंट नंबर 24 भरेगा और फार्म सबमिट वहां पर कर देगा। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसने कक्षा 11 पास किया है और कक्षा 11 पास करने के बाद अब वो प्राइवेट फॉर्म भरना चाहता है, तो उसके लिए अलग से सेंटर बनाए जाते हैं, अलग से केंद्र बनाए जाते हैं। ये पॉइंट नंबर फार्म 25 भरने वाला अपना यहाँ पर सारी जानकारी अंकित करेगा और फॉर्म वहां पर पत्राचार वाले केंद्रों पर जाकर जमा करेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 26, इंटरमीडिएट वर्ष 2022
23 यहाँ पर 23 आ जाएगा 22 की जगह, क्योंकि ये फॉर्म पुराना है, अभी एक दो दिन में फॉर्म नया आ जाएगा, उस पर 2023 होगा लिखा हुआ। सम्मिलित होने के लिए पत्राचार शिक्षा संस्थान, ये एक वर्षीय पत्राचार है, जहां पर कक्षा 11 पॉइंट नंबर 25 कक्षा 11 पास करने वाला बच्चा फॉर्म भरेगा। पॉइंट नंबर 26 में जिन्होंने कक्षा 10 पास किया है और वो डायरेक्ट इंटर करना चाहते हैं, तो वो पॉइंट नंबर 26 यहां पर अपनी यहां जानकारी अपनी अंकित करेगा, ठीक है। वहां दो साल में आपको, इसे अब 2023 चल रहा है, जो इस साल पास एक वर्षीय पत्राचार के बच्चे 2023 में परीक्षा देंगे और दो वर्षीय पत्राचार के बच्चे 2024 में परीक्षा देंगे। पॉइंट नंबर 27 है, विधि द्वारा स्थापित अन्य शिक्षा बोर्डों से परीक्षा का कक्षा 11 उत्तीर्ण होने अथवा इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा का अनुत्तीर्ण होने संबंधी वितर विवरण हम 27 पॉइंट पर क्लियर करेंगे। पॉइंट नंबर 28 जो आता है, ये आता है विनिमय के अंतर्गत, जो एक विषय से या दो विषय से या तीन विषय से या अधिकतम चार विषय से सम्मिलित होना चाहते हैं, जिन्होंने कक्षा 12 उत्तीर्ण कर ली है, वो सिर्फ पॉइंट नंबर 28 भरेंगे, इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं भरेंगे। जो बच्चे कारागार में बंदी हैं वो पॉइंट नंबर 29 भरेंगे, भारतीय सेना में जो कार्यरत सेनाकर्मी है पॉइंट नंबर 30 भरेंगे, और आईटीआई के थ्रू जिन बच्चों ने कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के पश्चात आईटी उत्तीर्ण कर ली है और वो इंटर की समकक्षता प्राप्त करना चाहते हैं, तो पॉइंट नंबर 31 भरेंगे वो, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 32 में हमारी श्रेणी आ जाएगी, कोई परीक्षार्थी जो है वो किस टाइप का है, दृष्टिबाधित तो नहीं है, विकलांग तो नहीं है, वो यहां पर भरेगा। परीक्षार्थी पॉइंट नंबर 23 पर अपनी ईमेल भरेंगे और पॉइंट नंबर 23 पर अपना पूरा हस्ताक्षर पता पत्र व्यवहार का वो लिखेंगे। पॉइंट पेज नंबर 4 पर घोषणा पत्र है, वहां पर हस्ताक्षर साइन वगैरह पता वगैरह सारा सब कुछ लिखना है, अभिभावक का नाम, अभिभावक हस्ताक्षर, स्थायी पता, मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं कि हमें अपना फॉर्म जो सबमिट करना है भर के परीक्षा केंद्र पर, उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं अपने फॉर्म के साथ, वो हम देख लेते हैं। ये साफ लिखा है, देख लीजिए, आवेदन पत्र के संलग्नक, कि हमें अपना जो फॉर्म सबमिट करना है उसमें कौन कौन से संलग्नक हमें करने हैं, ठीक है। पारित आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्रों की प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित फोटो को भी संलग्न किया जाना अनिवार्य है। ये तो प्रधानाचार्य आगे भेजेंगे बोर्ड में, लेकिन हमें क्या भेजना है जो प्रधानाचार्य के लिए को हमें देना है अपने फॉर्म के साथ। नंबर 1 हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, कक्षा 11 का रजिस्ट्रेशन, उत्तीर्ण करने का अंक पत्र, अगर आपने पत्राचार प्रमाण पत्र एक वर्षीय आपने प्राप्त कर रखा है तो वो, या दो वर्षीय है तो दो। नंबर 6 इंटरमीडिएट अनुत्तीर्ण अंक पत्र, या विधि द्वारा स्थापित अन्य किसी परीक्षा पे संस्था से, बोर्ड से, विद्यालय से, कक्षा छात्र ने, विद्यालय से छात्र ने कक्षा 11 की परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा कक्षा 12 उत्तीर्ण की हो, तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अंक पत्र के साथ स्थानांतरण पत्र की प्रमाणित फोटोकॉपी। फिर बता रहा हूं कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटोकॉपी उस बच्चे को लगानी है जो बच्चा संपूर्ण विषय से फॉर्म फिल कर रहा है, जो एक विषय से या दो विषय से फॉर्म फिल कर रहा है उससे स्थानांतरण पत्र की फोटोकॉपी नहीं लगानी है। ये हमने हाई स्कूल और इंटर का दोनों का फॉर्म भरना का तरीका सीख लिया है कि हम हाई स्कूल का फॉर्म किस तरीके से भरेंगे और इंटर का फॉर्म हम किस तरीके से भरेंगे। ये दोनों फॉर्म आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे आप देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट है, यहां पर नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और यहां पर लिखा हुआ है व्यक्तिगत प्राइवेट, ठीक है। यहाँ पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के विवरण को देखने अथवा नामावली डाउनलोड करने हेतु क्लियर, ठीक है। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आईडी पासवर्ड मांग रहा है विद्यालय की, यूजर आईडी पासवर्ड, तो यहां से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर डाउनलोड आ रहा है, ठीक है। हाई स्कूल फॉर्म यहां से डाउनलोड हो जाएगा हमारा, देखिए क्लिक करते ही, और क्रेडिट सिस्टम में जो बच्चे फार्म भरते हैं हाई स्कूल का, उसका उनका फार्म यहां से डाउनलोड हो जाएगा और इंटरमीडिएट का फॉर्म हमारा यहां से डाउनलोड हो जाएगा। हम किसी भी साइबर कैफे पर या जनसेवा केंद्र पर जाकर इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अब चलते हैं कि हम फॉर्म
ऑनलाइन किस तरीके से करते हैं, हम फॉर्म ऑनलाइन करने का तरीका देख लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक अलग से लिंक दिया गया है व्यक्तिगत प्राइवेट के लिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आईडी डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर हम सुरक्षा कोड डालेंगे और क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इंटरफेस इस तरीके का खुल के आएगा। यहाँ से हम एक हाई स्कूल का फॉर्म जो व्यक्तिगत संपूर्ण विषय से भरा जाता है वो भरने का तरीका देख लेते हैं। परीक्षार्थी का विवरण, यहाँ पर ये 8 पॉइंट हैं। इन 8 पॉइंटों को और हम अच्छे से समझ लेते हैं। नंबर एक, ये रेगुलर छात्रों के लिए होता है, व्यक्तिगत परीक्षार्थी के लिए ये विकल्प मान्य नहीं है। नंबर दो, 2A जो है हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे छात्र छात्रा का अगर हम फॉर्म भरना तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा के अंतर्गत क्रेडिट सिस्टम के छात्र, क्रेडिट सिस्टम के थ्रू जो छात्र होते हैं वो 2B में आज श्रेणी में आ जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 9 में अग्रिम पंजीकरण कराए और उत्तीर्ण छात्र छात्रा 3 पॉइंट में आ जाएंगे। देश के अन्य शिक्षा बोर्डों से कक्षा 9 उत्तीर्ण छात्र छात्रा 4A में आ जाएंगे। देश के अन्य शिक्षा बोर्डों से हाई स्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे छात्र 4B में आ जाएंगे। और विनिमय के अंतर्गत जो परीक्षार्थी अपना आवेदन कर रहे हैं, जो एक विषय से या दो विषय से या अधिकतम 5 विषय से अपना फॉर्म भर रहे हैं, वो पॉइंट नंबर 5 में आ जाएंगे। कारागार में पढ़ने वाले परीक्षार्थियों पॉइंट नंबर 6 में आएंगे और सेना में कार्यरत परीक्षार्थी पॉइंट नंबर 7 में आएंगे और ITI से उत्तीर्ण छात्र जो हैं वो पॉइंट नंबर 8 में आएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे छात्र, एक जो अनुत्तीर्ण छात्र है कक्षा 10 का, उसका फॉर्म भर के देख लेते हैं। चलिए चलते हैं। 2A पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर एक बच्चा है जिसका रोल नंबर, यहाँ हमें वेरीफाई करना होता है कि वो बच्चा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुत्तीर्ण है या नहीं, कि हमें डेटा हमें माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से ही उठाना होता है। यहाँ सबसे पहले हम उसका रोल नंबर डालेंगे। रोल नंबर है उसका 0520272 और ये बच्चा किस वर्ष अनुत्तीर्ण हुआ है, ये बच्चा हुआ है 2011 यानी 2011 में ये बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ है। तो यहाँ पर वेरीफाई डेटा करेंगे। क्या आप परीक्षार्थी का डेटे को सत्यापित करना चाहते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए इस बच्चे का रिकॉर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से अपलोड हो गया है। यहाँ अगली हम जानकारी भर के देख लेते हैं। यहाँ हिंदी में, इंग्लिश में ऑलरेडी नाम लोक है, यहाँ करेक्शन नहीं कर सकते। अब हम हिंदी में इसका नाम इधर लिख लेते हैं। अब हम इसका हिंदी में नाम टाइप करते हैं। यहाँ किसी सॉफ्टवेयर की डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वेबसाइट से अपना नाम हम इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, वो ऑलरेडी से हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। देखिए हो गया कन्वर्ट, अब ऑलरेडी अपने आप से वो कन्वर्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ उसकी ऑलरेडी लॉक्ड है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर उसका लिंक चुनेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर ईमेल डालेंगे, यहाँ पर उसका स्थायी पता डालेंगे, सेकंड में ब्लॉक का नाम डाल देंगे, यहां पर जनपद चुन लेंगे, मैं जनपद हापुड़ से हूं इसलिए मैं जनपद हापुड़ चुन लिया है, और यहां पिन कोड डालेंगे। यहां पर देखना है कि वो बच्चा सामान्य है, दृष्टि बाधित है या मूक बाधित है, तो यहां पर सामान्य। सेकंड में कास्ट चुन लेंगे, कास्ट सामान्य है, अल्पसंख्यक है या नहीं है, या अल्पसंख्यक है राइट कर देंगे। परीक्षा देने का माध्यम, आप हिंदी में परीक्षा देंगे या इंग्लिश में परीक्षा देंगे तो हिंदी क्लिक कर लेंगे। रेगुलेशन कैसा रहेगा आपका, ये पॉइंट समझने का, संपूर्ण विषय में परीक्षा दे रहा है, विनिमय के अंदर परीक्षा दे रहा है, क्रेडिट सिस्टम में परीक्षा दे रहा है या ITI से उत्तीर्ण है, तो ये संपूर्ण विषय में परीक्षा दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सब्जेक्ट भर देते हैं, ठीक है, 900
कोड नंबर है 901 हिंदी का हो गया, 917 इंग्लिश का, 928 गणित का, ये अनिवार्य है, 931 साइंस और 932 सामाजिक विज्ञान। छठा हमारा ऐच्छिक विषय है, जैसे मैं ये इसमें अपना ऐच्छिक विषय बैठ देता हूँ 936 कला विषय, 944 ऑलरेडी आएगा फिजिकल एजुकेशन का है और यहाँ पे आके हम सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे मांग रहा है कि परीक्षार्थी का, यहाँ पर हमें सूचना दे दी गई है परीक्षार्थी का पंजीकरण हो गया है, क्या आप परीक्षार्थी का फोटो अपलोड करना चाहते हैं, यस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम फाइल चूज कर लेंगे। फाइल मैक्सिमम 25 KB का होना चाहिए, मैंने डेस्कटॉप पे फोटो डाल रखा है, मैं वहां से क्लिक करता हूँ, फोटो यहाँ पर आ जाता है और इसे हम सुरक्षित कर देते हैं। यहाँ पर हमारे एक बच्चे का पंजीकरण हो चुका है, टोटल हमने जो रजिस्टर्ड किए थे 82 बच्चे किए थे, उनमें से एक बच्चे का हमने पंजीकरण कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरे बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं, यहीं से फिर दोबारा क्लिक करेंगे सरल पंजीयन पर, यहां से फिर हम जिस कैटेगरी में भरना चाहते हैं उस कैटेगरी में फॉर्म भर देंगे। 8 की 8 जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स में से किसी पॉइंट्स में आता हो तो हम उस पॉइंट पर क्लिक करके कारागार में है या विनिमय के अंतर्गत है या सेना में कार्यरत है या कक्ष माध्यमिक परिषद द्वारा कक्षा 9 में पास है या अन्य शिक्षा बोर्डों से पास है या स्कूल पेस फेल है, इस तरीके से हम फॉर्म भर देंगे। इंटर में भी यही कंडीशन रहेगी हमारी, अब इंटर में सरल पंजीयन के लिए यहां पर क्लिक कर देंगे। इंटर में पॉइंट 2 पॉइंट्स बढ़ गए हैं इंटर में, ठीक है, क्योंकि इंटर में एक विषय अलग से आया है जिसे कहते हैं कृषि विषय, जो हमारा कृषि विषय होता है, कृषि विषय का ये पॉइंट नंबर 10 बढ़ा दिया गया है, कक्षा या पॉइंट नंबर नेत्रहीन के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कक्षा इंटर में पत्राचार होता है, हाई स्कूल का पत्राचार खत्म कर दिया गया है और कक्षा 12 का पत्राचार है, उसमें 1 वर्षीय पत्राचार होता है और उसमें 2 वर्षीय पत्राचार होता है, ठीक है, इसके पॉइंट अलग कर दिए गए हैं क्योंकि इंटर में ज्यादा पॉइंट्स हैं। इसमें पॉइंट नंबर 4 जो है पत्राचार के लिए कर दिया गया है और पॉइंट नंबर 9 नेत्रहीन या दिव्यांग के लिए और पॉइंट नंबर 10 अनुत्तीर्ण रहे छात्र छात्रा, यह पूरा डेटा सेम टू सेम वही भरेंगे। यहां पर सिर्फ ये चीज चेंज हो जाएगी कि आप वहां पर विषय वर्ग नहीं आता था, वहां पर सीधा आ रहा था, वहां पर विषय वर्ग कक्षा 10 में विषय वर्ग की चॉइस नहीं होती है, यहां पर विषय वर्ग चॉइस, आप मानविकी से हैं, विज्ञान से हैं, वाणिज्य से हैं, कृषि भाग 1-2 से हैं या वोकेशनल से हैं, ठीक है, आप जिससे भरना चाहते हैं यहां भरेंगे। यहां पर अगर और दूसरा यहां पर आप हिंदी आ जाए क्लियर, अल्पसंख्यक है कि नहीं है, किस माध्यम से है, रेगुलेशन क्या है, विनिमय के अंतर्गत है या आईटीआई के अंतर्गत है, ये सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी और यहां पर हाई स्कूल का रोल नंबर और हाई स्कूल पास करने का विषय भी यहां पर डालना होता है। उसके बाद जो मैंने हाई स्कूल का फॉर्म भरा है सेम उसी कंडीशन से फॉर्म भरा जाता है। यहां पर हम देख लेते हैं अगर कोई हमसे गलती से फॉर्म भर गया है तो यहां पर डिलीट के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे, हम समझो कि हमसे इब्राहिम का फॉर्म गलत भर गया है और हम इसे मिटाना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे और ये मिटा दिया जाएगा, ठीक है, ये फॉर्म हमारा मिट गया है। अगर हम इसे वापस धोखे से हमसे डिलीट हो गया है और इसे हम वापस लाना चाहते हैं तो रिस्टोर पर क्लिक करेंगे और रिस्टोर पर क्लिक करने के बाद पुनः स्थापित करेंगे तो ये फॉर्म पुनः स्थापित होकर हमारी सूची में आ जाएगा। उसी तरह यहां सामूहिक फोटो अपलोड कर सकते हैं, अब तो हमारे पास है नहीं, अगर बच्चे हों तो उनका सामूहिक फोटो अपलोड कर सकते हैं, चेकलिस्ट देख सकते हैं, फोटो चेकलिस्ट देख सकते हैं, जिन परीक्षार्थी का फोटो नहीं है उनकी लिस्ट देख सकते हैं, वहां पर फोटो अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा है कि हम कक्षा 10 और कक्षा 12 की व्यक्तिगत परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें, कहां से करें, उसकी अंतिम तिथि क्या है, ये हमने आज की वीडियो में जाना है और हमने हाई स्कूल व्यक्तिगत परीक्षा हेतु आवेदन फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है ये जाना है, इंटर व्यक्तिगत परीक्षा का फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है ये हमने जाना है, विद्यालय अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड के द्वारा परीक्षार्थी का फॉर्म किस तरीके से ऑनलाइन करता है ये हमने जाना है। व्यक्तिगत परीक्षा हेतु कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।